हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एम आई सी इंस्टीट्यूट ऑनलाइन क्लासेस। आज हम फंडामेंटल में नेक्स्ट देखेंगे लिमिटेशंस ऑफ कंप्यूटर, मतलब कंप्यूटर की सीमाएं क्या होती हैं। ठीक है, फर्स्ट है लैक ऑफ इंटेलिजेंस। इसका मतलब होता है बुद्धिमत्ता की कमी। आप सभी को पता है कि कंप्यूटर जो है वो एक मशीन है जिसका कार्य यूज़र द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करना होता है। ठीक है, यदि आप कंप्यूटर से कुछ कार्य करने की बोलते हैं तो केवल वही कार्य करेगा जो उसको यूज़र द्वारा निर्देश दिए जाएंगे, वो अपने आप कुछ कार्य नहीं करता। नेक्स्ट है अनेबल इन सेल्फ प्रोटेक्शन, स्वयं की रक्षा करने में असक्षम। ठीक, कंप्यूटर चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, परंतु उसका जो नियंत्रण होता है वो किसके पास होता है, केवल मनुष्य के पास होता है। ठीक है, यूज़र जो होता है वो ही केवल उसका पूरा नियंत्रण कर सकता है, वो अपनी सुरक्षा खुद नहीं कर सकता। इसके बाद फॉर एग्जाम्पल के लिए यदि हम किसी व्यक्ति का ईमेल अकाउंट बनाते हैं और उसमें पासवर्ड डालते हैं तो कंप्यूटर को सिर्फ ये नहीं पता है कि उसका नाम श्याम है, राम है या अदर कुछ है, उसको केवल वो यह पता है कि इसका पासवर्ड क्या होता है। ठीक है, इसके बाद है लैक ऑफ डिसीजन मेकिंग, निर्णय लेने की कमी। उसमें निर्णय लेने क्या होती है, कमी होती है। कंप्यूटर जो होता है वो अपने निर्णय स्वयं नहीं ले पाता, वो केवल एक मशीन है। ठीक है, जो कि यूज़र द्वारा दिए गए निर्देशों का ही पालन करता है, जो यूज़र निर्णय लेगा उसी के अकॉर्डिंग कंप्यूटर काम करेगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के प्रकार। कंप्यूटर के जो प्रकार होते हैं वो तीन प्रकार से होते हैं। फर्स्ट होता है कार्य प्रणाली के आधार पर, सेकेंड उद्देश्य के आधार पर, थर्ड होता है आकार के आधार पर। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर टाइप्स के आधार पर कंप्यूटर तीन प्रकार के होते हैं, एनालॉग, डिजिटल, हाइब्रिड। साइज के आधार पर कंप्यूटर चार प्रकार के होते हैं, मैक्रो, मिनी, मेन फ्रेम से ऊपर। एंड नेक्स्ट है आपका पर्पस। पर्पस के आधार पर जो कंप्यूटर होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, जनरल पर्पस और स्पेशल पर्पस। फर्स्ट है हमारा कार्य प्रणाली के आधार पर। इसमें क्या होता है, जो कंप्यूटर होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, तीन, एनालॉग, डिजिटल एंड हार्ड टाइप। फर्स्ट है हमारा एनालॉग। एनालॉग कंप्यूटर क्या होते हैं, एनालॉग कंप्यूटर वे होते हैं जो कि मात्राओं फिजिकल को जांचने में हेल्प करते हैं, जैसे कि आपका प्रेशर, टेम्परेचर, ठीक है, लेंथ, हाइट आदि की गणना करने के लिए इनका यूज़ किया जाता है। इसका जो परिणाम होता है वो अंकों में व्यक्त करते हैं। ठीक है, जैसे ये देख रहे हैं आप थर्मामीटर लगा हुआ है ना, ये क्या है, थर्मामीटर, जिसके ऊपर ये अंक लिखे हुए हैं। कंप्यूटर का मुख्य रूप से यूज़ विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में किया जाता है। ठीक है, जैसे कि आपको पता होगा पेट्रोल पंप पे जब आप हम लोग जाते हैं तो वहाँ पे पेट्रोल पंप पर एक एनालॉग कंप्यूटर लगा होता है जिसमें जो पेट्रोल की मात्रा जो होती है, ठीक है, उसको क्या करता है, वो नापता है और उसे लीटर में शो करता है, और ये सब कहाँ दिखता है हमें, स्क्रीन पर। नेक्स्ट है डिजिटल कंप्यूटर। डिजिट का अर्थ क्या होता है, अंक। ठीक है, अर्थात डिजिटल कंप्यूटर वह कंप्यूटर होते हैं जो कि अंकों की गणना करते हैं। तो डिजिटल कंप्यूटर क्या होते हैं, वेब कंप्यूटर होते हैं जो कि व्यापार को चलाते हैं, घर का बजट तैयार करते हैं और अलग अलग प्रकार की चीज़ों की गणना करने के लिए भी यूज़ किए जाते हैं। इसके बाद है हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर का अर्थ क्या होता है, अनेक गुणधर्म वाला कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर में एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर दोनों कंप्यूटर गुण क्या होते हैं, मिले हुए होते हैं। जैसे पेट्रोल पंप पर जो मशीन होती है वो क्या होती है, हाइब्रिड कंप्यूटर होती है। सेकेंड टॉपिक है हमारा उद्देश्य के आधार पर, मतलब बेस्ड ऑन पर्पस। पर्पस के आधार पर कंप्यूटर दो प्रकार के होते हैं, जनरल पर्पस और स्पेशल पर्पस। फर्स्ट है हमारा स्पेशल पर्पस। स्पेशल पर्पस क्या होते हैं, ऐसे कंप्यूटर जिन्हें हम किसी विशेष कार्य के लिए तैयार करते हैं, ठीक है, वो कहलाते हैं हमारे स्पेशल पर्पस। जैसे कि अंतरिक्ष विज्ञान, मौसम विज्ञान, उपग्रह संचालन, ये सब काय में आएंगे हमारे स्पेशल पर्पस में। जनरल पर्पस क्या होते हैं, जनरल पर्पस में वो कंप्यूटर आते हैं जिन्हें हम सामान्य उद्देश्यों के लिए तैयार करते हैं, जैसे कि लेटर तैयार करना, डॉक्यूमेंट्स को तैयार करना, उनका प्रिंट निकालना, ये सब काय में आएंगे हमारे जनरल पर्पस कंप्यूटर में। इसके बाद है आकार के आधार पर, बेस्ड ऑन साइज। इसमें चार प्रकार के होते हैं, सुपर कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर और माइक्रो कंप्यूटर। ठीक है, फर्स्ट है सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर में क्या होता है, ये सबसे अधिक गति वाला कंप्यूटर होता है,
है ना, अधिक क्षमता भी होती है इसमें। इसमें एक से अधिक सीपीयू लगाए जा सकते हैं और वो सब जो होते हैं एक से अधिक व्यक्तियों के साथ कार्य कर सकते हैं। यह महंगे होते हैं तथा आकार में बड़े होते हैं। इसके बारे में पढ़ा हमने सुपर कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर क्या होता है? माइक्रो कंप्यूटर से कुछ अधिक गति व मेमोरी कंप्यूटर वाले कंप्यूटर का बोलते हैं मिनी कंप्यूटर कहते हैं। इसमें एक से अधिक सीपीयू हो सकते हैं। यह माइक्रो कंप्यूटर से महंगे होते हैं ना। मिनी कंप्यूटर का यूज़ यातायात में यात्रियों के आरक्षण प्रणाली के संचालन और बैंकों में बैंकिंग कार्यों के लिए किया जाता है। मेन फ्रेम कंप्यूटर जो होते हैं, मेन फ्रेम कंप्यूटर मिनी कंप्यूटर से कुछ अधिक गति व क्षमता वाले होते हैं। ठीक है, ये कंप्यूटर आकार में क्या होते हैं? बड़े होते हैं। इसमें डाटा को स्टोर करने की प्रोसेस कैसी होती है? अधिक होती है। इनका यूज़ बड़ी बड़ी कंपनी जैसे बैंक, रेलवे, आरक्षण आदि में किया जाता है। इसके बाद है मैक्रो कंप्यूटर। इस कंप्यूटर को मैक्रो कंप्यूटर दो कारणों से कहा जाता है। कंप्यूटर में मैक्रो प्रोसेसर का उपयोग किया जाता है फर्स्ट। दूसरा यह है कि दूसरे कंप्यूटर की अपेक्षा यह आकार में छोटा होता है। ठीक है, यह आकार में इतना छोटा होता है कि इसको स्टडी टेबल या ब्रीफकेस में भी रखा जा सकता है। ठीक है, इसका यूज़ आप आराम से सभी प्रकार कार्यों के लिए कर सकते हैं। ठीक है, इसको इस कंप्यूटर को एक ही व्यक्ति कार्य कर सकता है। नेक्स्ट है डेस्कटॉप कंप्यूटर। डेस्कटॉप कंप्यूटर एक ऐसा कंप्यूटर होता है जिसे टेक्स्ट पर सेट किया जाता है। इसमें एक सीपीयू, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस आदि होते हैं जिन्हें हम अलग भी देख सकते हैं। डेस्कटॉप कंप्यूटर की कीमत क्या होती है? कम होती है, परंतु इसे एक जगह से दूसरी जगह ले जाना क्या होता है? मुश्किल होता है, क्योंकि ये कंप्यूटर क्या होता है? थोड़े बड़े होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम ब्लॉक डायग्राम। कंप्यूटर के अवयव और ब्लॉक डायग्राम। सबसे पहला है हमारा इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस क्या होती है? इनपुट डिवाइस वो डिवाइस होती है जिनके द्वारा हम अपने डाटा या निर्देशों को कंप्यूटर से इनपुट करा सकते हैं। ठीक है, डिवाइस अलग प्रकार की होती हैं। कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, ट्रैकबॉल, लाइट पेन, टच स्क्रीन, डिजिटल स्कैनर, डिजिटलाइज टेबलेट, बारकोड रीडर, ओएमआर, ओसीआर, एमआईसीआर, एटीएम एक्सेट्रा। ठीक, सेकंड है सीपीयू। सीपीयू का पूरा नाम क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, यह कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है, अर्थात इसके बिना कंप्यूटर का सिस्टम पूरा नहीं हो सकता, क्योंकि सभी डिवाइस जो होती हैं वो किससे जुड़ी होती हैं? सीपीयू से जुड़ी होती हैं। सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहा जाता है। अब सीपीयू के तीन भाग होते हैं, एएलयू, मेमोरी और सीयू। एएलयू क्या होता है? अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। इसमें क्या होता है? इसमें आप किसी भी प्रकार की गणना को कर सकते हैं। ठीक है, अलग अलग गणना की गति कर सकते हैं। इसकी जो गणना होती है वो प्रति सेकेंड पर सेकेंड की गति से की जाती है। ठीक है, सेकेंड नेक्स्ट है मेमोरी। मेमोरी क्या होती है? यह इनपुट डिवाइस के द्वारा प्राप्त निर्देशों को कंप्यूटर में स्टोर करके रखता है। ठीक है, इसमें उसी प्रकार मेमोरी क्या होती है? जो सीपीयू का एक विभिन्न अंग होती है, इसमें सारी जो फाइल्स होती है वो क्या होती हैं? स्टोर होती हैं, है ना। कंप्यूटर का वह स्थान जहाँ सभी सूचनाएँ, आंकड़ों या निर्देशों को स्टोर करके रखा जाता है क्या कहलाती है? वो मेमोरी कहलाती है। नेक्स्ट है सी। सीयू का पूरा नाम होता है कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट का कार्य क्या होता है? हार्डवेयरों की प्रोसेस को नियंत्रित करना और उन्हें संचालित करना। यह जो इनपुट आउटपुट सभी को नियंत्रित करता है, ठीक है, कंट्रोल करता है, साथ ही मेमोरी एएलयू के मध्य डाटा का आदान प्रदान करता है। थर्ड पॉइंट है आपका आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस क्या होती है? आउटपुट डिवाइस वो डिवाइस होती है जो यूजर द्वारा इनपुट किए गए डाटा को रिजल्ट के रूप में प्राप्त करती है। ठीक है, इसमें क्या होता है? अलग अलग पॉइंट होते हैं। आउटपुट डिवाइस कई प्रकार की, जैसे कि आपकी मॉनिटर, प्रिंटर, प्लॉटर, प्रोजेक्टर, इस प्रकार का ये डायग्राम देख रहे हैं। यहाँ से यदि यूज़र इनपुट करता है तो वो सीपीयू के तीन भागों में डिवाइड होता है, कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक और मेमोरी यूनिट। इन सभी को मिला के सीपीयू की प्रोसेसिंग होती है और बाद में क्या मिलता है यूज़र को? आउटपुट मिलता है। थैंक यू फ्रेंड्स। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।